बरगदवा स्थित बीएन रॉयर्स प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने लॉकडाउन के दौरान वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा वेतन भुगतान की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंपनी के अजय मिश्रा ने कहा, लॉकडाउन के दौरान का पूरा वेतन मजदूरों को दो, लॉकडाउन के दौरान का पूरा वेतन मजदूरों को दो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजदूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजदूरी हो, मजदूरों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, मजदूरों के लॉकडाउन का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय मिश्रा नाम है मेरा। देखिए, हम लोग प्रशासन के पास आए हैं और अब मार्च से ही लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग वीएनडार्स कंपनी में काम करते हैं, कपड़े की फैक्ट्री है बरगदवा क्षेत्र में, और हम लोग को 350-400 मजदूर हैं, उनको किसी तरीके का कोई वेतन नहीं दिया गया लॉकडाउन। जबकि सरकार ने कही थी कि इन लोगों को जो है कि भरण पोषण का भत्ता दिया जाए या पूरा वेतन का, पहले हुआ था कि पूरा वेतन दिया जाएगा लॉकडाउन में भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सभी लोग बाहर से फंसे हुए हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग कहीं के हैं, परिवार लेकर के यहाँ पे 10-15 सालों से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनको किसी तरीके का कोई चीज़ें यहाँ पे मिली नहीं। प्रशासन से भी कई बार डीएम को भी ज्ञप्ति दी गई, डीएलसी से मिला गया, सभी लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक किसी भी तरीके का हम लोगों को कोई मदद मिली नहीं। आज 2 महीने होने को आ रहा है और हमारे पास न खाने के लिए किसी के पास एक भी पैसा बचा हुआ, उधार लेकर के किसी तरह से खा रहे हैं, मकान मालिक जो है कि रूम भाड़ा मांग रहा है, जो दुकानदार है वो राशन देने से मना कर दिया है, और इस समय हम लोग की ये स्थिति आ गई है कि भूखों मरने की स्थिति आ गई है, बच्चों को भूखे मर रहे हैं, खाने पीने के लिए किसी के पास नहीं है। मालिक जो है, मालिकान से कई बार बात हुई लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम इसमें किसी तरीके से लॉकडाउन में मदद नहीं कर पाएंगे और आपको जिसके पास जाना है आप लोग जाइए और अपनी गुहार करिए। हमारी मांग ये है कि हम लोग लॉकडाउन के दौरान जो भी बनता है, हाँ, अगर प्रशासन की तरफ से जो भी बनता है उनको भरण पोषण मजदूरों को मिले, या जो है कि कंपनी मालिक से बात कर करके, चूँकि यहीं पे जो है हमारे यहाँ भी बरगदवा क्षेत्र में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं सभी लोगों ने, सभी फैक्ट्री चाहे अंकुर जलान हो, चाहे बीएनडीआरएस हो, चाहे लक्ष्मी शालिनी हो, चाहे जलान पॉलिटेक्स हो, सभी फैक्ट्री जो है कि लॉकडाउन के दौरान भी अपने मजदूरों को लिहाफ आधा पेमेंट दिए हैं, सभी लोगों को घर बैठे हैं या काम कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, हम लोग एक भी पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, खाने पीने की समस्याएं आ रही हैं, हम लोग जाएँ तो किसके पास जाएँ, लॉकडाउन में हम लोग किस प्रशासन से हम सहायता मांगें, किस तरह से कहाँ जाएँ, किस बच्चों को लेकर के, सामान लेकर के हम लोग कहाँ भटकें, रास्ते में कहाँ जाएँ और किससे क्या कहें, समस्या ये है।